गाइस क्या होने वाला है इस वीडियो में, मेरे पास है ये बाइक का बैटरी, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्ट लाइट में लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि आखिर क्या होगा, इसके अंदर ब्लास्ट होगा या लाइन शॉर्ट होगी। मुझे पता नहीं है भाई, मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट कर चुका जिसमें लाइन शॉर्ट हुई है और हमारे घर के फ्यूज भी सब उड़ चुके हैं, लगभग तार भी कुछ कुछ जल चुके हैं। एक बार तो लगभग 10 फीट लंबी वायर जल चुका था, बिल्कुल चिपक गए थे दोनों। मैं खुद हैरान था कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों यही है वो बैटरी जिसमें डायरेक्ट हम लाइन के वायर जोड़ देंगे, फिर देखेंगे इसका क्या होगा, ब्लास्ट होगा। वैसे मैं इसके ढक्कन को थोड़ा खोल दूंगा क्योंकि मुझे लगता है गैस बन सकती है और ये ढक्कन जोरों से उछटेंगे, दूर जाकर गिरेंगे, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा पुश कर दिया इनको अंदर और थोड़े बाहर हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये रखा हुआ है लाइन का वायर, मतलब 220 वोल्ट 30 वोल्ट जितनी भी आएगी वो इसमें आएगी और इसमें ही हम इसके वायर जोड़ देंगे बैटरीज के। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया ना, लाइक ज़रूर करें। शो फ्रेंड्स लाइट में लगाने के लिए हमें इस बैटरी के दोनों टर्मिनल को जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए मैंने इस वायर को कुछ ऐसे लगा दिया और इस वायर का बड़ा रहस्य होगा क्योंकि इस वायर से हम फ्यूज बनाएंगे और ये दोनों सिरे पर जुड़ा रहेगा। ये दोनों सिरे हैं, ये लाइट में और एक बैटरी में लगेगा, आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा, क्योंकि एक सिरा इसमें डाल देते हैं अपन 5 पिन में और एक इसका और एक इसका जोड़ दिया। ठीक है, और वो वाला फ्यूज का काम करेगा, अगर लोड पड़ता है तो वो उड़ जाएगा। स्विच को किया ऑन, अब देखिए क्या होगा। सो फ्रेंड्स सर्किट हो गया तैयार, ये देखिए बैटरी के अंदर कुछ जला था, बल्ब जला था, अपन इसे स्लो मोशन करके देखेंगे अभी। ठीक है, सो फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो लाइक करना और बुरा लगा हो तो डिसलाइक करना तो कभी भूलना ही मत, डिसलाइक जरूर करना और अपना कारण लिखना कि डिसलाइक लिखने का आपका रीजन क्या है, किस वजह से आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, और अपना फीडबैक हमें देना। ठीक है, और वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी को थैंक्स, दिल से धन्यवाद।